पवन सिंह के डर से खेसारी ने डिलीट किया अपना गाना ये चुनमुनिया। तो वैसा क्या है खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वैसा अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। भाई लोग आज बहुत गुड न्यूज देने वाले हैं, तो प्लीज यार आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वैसा अगर बात की जाए तो पावर स्टार पवन सिंह का जो गाना खेसारी लाल यादव ने कॉपी करके गाया था वो गाना 100% यहाँ पर बदनाम यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो ही वीडियो बचा है, बाकी के सारे वीडियो डिलीट हो चुके हैं, आप 100% यहाँ पर देख सकते हैं। हम कम्युनिटी पेस्ट में भी चलते हैं और कम्युनिटी टैब में भी इनका वीडियो देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका टोटल के टोटल देखा जाए तो टीज़र बचा है, बाकी का लाइव वीडियो बचा है, बाकी के वीडियो को डिलीट कर दिए। यहाँ पर कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किए थे, ये भी वीडियो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, इसको हम प्ले करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 100% एक खेसारी लाल यादव ने पावर स्टार पवन सिंह के सामने अपने वीडियो को 100% डिलीट कर दिया, इस वीडियो को या प्राइवेट कर दिया अभी कन्फर्म जानकारी नहीं आ रही, लेकिन 100% 100% यही जानकारी है कि पावर स्टार पवन सिंह के सामने खेसारी ने 100% मान लिया है कि हाँ हमने इस गाने को चुरा के गाया था और ये गाना 100% कॉपी है, इसलिए खेसारी लाल यादव ने उस गाने को डिलीट किया है या प्राइवेट किया। लेकिन हमें लगता है कि 100% इस गाने को प्राइवेट किया गया, क्योंकि उस गाने पर अगर देखा जाए तो 3 मिलियन व्यूज कंप्लीट होने वाले थे और गाना भी काफ़ी चल रहा था। जिस प्रकार से पावर स्टार पवन सिंह जी विश्व रिकॉर्ड बनाते चले आए उसी प्रकार से विश्व रिकॉर्ड बनाते ही रहेंगे। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खेसारी लाल यादव इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं, इतना ज़्यादा समय भी खर्चा करते हैं, काफ़ी पैसा भी नुकसान करते हैं, इससे उनको बेनिफिट क्या मिलता है? आप लोग हमें 100% कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट